कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। दूर जाते दूर नहीं हुए अच्छा पास पास में पास चलो अरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुरुपाष्टांगत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षदसियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारिदान सीताए शरणागति हकते अप्राण। इसमें श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अपना परिकरों को साथ में जगत में अवतीर्ण हुए हैं है? सब परिकर जगत में बोले क्यों बोले अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान क्या देना चाहते हैं बड़े दुर्लभ प्रेम को देना चाहते हैं। बोले कौन सा दुर्लभ प्रेम है बोले जिस प्रेम को पाने के लिए शंकर जी गोपी मूर्ति धारण किया लेकिन तभी प्रवेश नहीं किया। जिस प्रेम को पाने के लिए उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज में वहाँ घास भूसा बनना चाहते हैं वहाँ की लता बनना चाहते हैं वहाँ की औषधि वृक्ष बनना चाहते हैं कौन बोले उद्धव जैसे व्यक्ति। बोले जिस प्रेम को पाने के लिए लक्ष्मी अभी भी कठोर तपस्या कर रही हैं बैठ करके सब जगह में लक्ष्मी देखोगे ऐसे हाथ करती रहती सबका आशीर्वाद देती लेकिन वो लक्ष्मी क्या कर रही हैं हाथ जोड़ करके अभी भी बेलवन में कठोर तपस्या कर रही हैं। जिस प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा हमारी आदि गुरु ब्रह्मा वो भी कहते हैं तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम जत गोकुल अपि कथमांग्रि रजोभिषेकम। वो क्या चाहते हैं ब्रह्मा जी जब बछड़े सखाओं को चोरी की लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता चला अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं ये तो मेरे बाप की बाप की बाप की ये बाप है हैं जिन नारायण की नाभि कमल से मेरे जन्म हुआ उनका जो मूल संकर्षण उनका मूल बलदेव और उनका मूल ये कृष्ण है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। फिर ब्रह्मा जी भगवान बोले क्या चाहते हो प्रार्थना क्या ब्रज में मेरे सखा सखी बनना चाहते हो बोले नहीं नहीं प्रभु हम कहाँ इतना सौभाग्य क्या ब्रज में सखा सखी बन जाए बोले वहाँ कोई पशु पक्षी बन जाओ बोले नहीं नहीं नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज के जितने तृण गुणवलता औषधि सब के सब कृष्ण सेवा की अनुकूल रूप में कृष्ण सेवा कर रहे हैं। कहते वहाँ के फिर कोई लता पता बन जाओ बोले नहीं नहीं वहाँ लता पता भी नहीं बन सकते फिर चाहते हो क्या बोले ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं हैं उनकी घर को सामने अगर मेरे पत्थर जन्म हो जाए मेरे को वो पत्थर मान करके अपना चरण को हमारा सर पर रगड़े उनके अगर चरण धूल मिल जाए तो हम अपना जीवन को धन्य माने। ऐसे दुर्लभ प्रेम ब्रह्मा शंकर इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले ब्रह्मा वीरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लढाली कांगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया कर थाली हे मन गौरवी नानाही आर। बोले महाप्रभु जी इस जगत में इतने कोई बड़े अवतार नहीं होंगे हैं जिस ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं
जगत में उन्होंने वो प्रेम को उन्होंने उड़ाल डाले। प्रेम को क्या कर दिया, उन्होंने प्रेम को उन्होंने उड़ाल दिया है वो प्रेम को। इसलिए वो दुर्लभ प्रेम को जगत में महाप्रभु देने के लिए आए। लेकिन अभी प्रश्न होता है, इतने जो दुर्लभ प्रेम हमें मिलेगा कैसे, हमें मिलेगा कैसे? इसलिए कहते हैं सिखाए शरणागति भक्तर प्राण। बोले मिलेगा अगर छह शरणागति अगर हमारी अंदर में आ जाए है, छह शरणागति अगर हमारी अंदर में आ जाए फिर तो वो दुर्लभ प्रेम को पा सकते हैं। इसलिए कहते वो शरणागति को हमें सिखा रहे हैं। बोले छह शरणागति क्या है, बोले दैन आत्मनि वेदन गोपतृप्ते वरन अवश्य रखी बेन कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार षडंग शरणागति हाई भे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। बोले भगवान किसका प्रार्थना सुनते हैं, बोले जिसका अंदर में ये छह गुण आ जाएगा उसको प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं हैं। छह गुण जिसको अंदर में आ जाएगा और वो दुर्लभ प्रेम मिलेगा कैसे, कहते अगर तुम्हारे अंदर में ये छह गुण अगर आ जाए ना वो दुर्लभ प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोले वो छह चीज क्या है, छह चीज क्या, छह शरणागति क्या क्या, बोलो बोलो क्या क्या है, हाँ बोलो तुम्हें पता है, बोलो प्रतिकूल भाव वर्जनाकार, ये छह चीज को याद रख लेना ठीक है, छह चीज को याद रख। पहला नंबर है बोले दैन्य, दैन्य मतलब क्या, बोले दीनता, दैन्य मतलब होता है दीन है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना अगर भक्ति करना तो हमारे अंदर में चार गुण होनी चाहिए है, तभी भगवान का नाम हम कर सकते हैं। कहते क्या, तृणादपि सुनिचेना, बोले घास से भी ज़्यादा नीचे बनो। जैसे जैसे कोई एक व्यक्ति चलते हुए जा रहे अगर घास के ऊपर पैर पड़ता है ना घास नीचा हो जाता है, फिर जब पैर उठा तो फिर ऊपर उठ जाता है। बोले नहीं उससे भी ज़्यादा दीनहीन, उससे भी ज़्यादा दीनहीन बनो। कहते क्या सबके सामने बनेगा, बोले नहीं केवल भक्तों के सामने। लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी ने उल्टा पुल्टा ठाकुर के बारे में बोल दिया, गुरु वैष्णव के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया, कहते वहाँ क्या दीन बनेगा, नहीं बोले वहाँ दीन नहीं बननी चाहिए हैं। गुरु वैष्णव के बारे में कोई बोलेगा तो वहाँ उसको उत्तर देनी चाहिए, कहीं गुरु वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर सोचोगे नहीं दीनहीन बननी चाहिए, हनुमान जी दीन बने, रावण जब सीता को उठा कर ले गया किसी लंका जला कर राख बना दिया ना, बोले माता सीता को तुमने चोरी करके लाए जला करके राख बना दिया। इसलिए जो दीनहीन भावना कहते वैष्णव और गुरु जी को सामने हम दीनहीन बनेंगे। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति आएगा अगर बोलेगा तो, अगर गुरु वैष्णव का कोई निंदा करता है क्या कहते, उसका जुहा काट दो। जुहा काट दो मतलब क्या, मतलब ऐसे शास्त्र युक्ति तर्क दो जैसे उसका सारे हैं जो अपसिद्धांत को जैसे तुम काट दो, उसको खंडन विखंडन कर देनी चाहिए ठीक है ना। ऐसे नहीं गुरु वैष्णव की निंदा कर दिया त्रिनादपि चुन चर्च, नहीं नहीं सुननी चाहिए उसको, शास्त्रार्थ को द्वारा उसको खंडन करनी चाहिए, नहीं तो अपना कान में अंगुल डाल देनी चाहिए, नहीं तो सवस्त्र में कहते वस्त्र समेत गंगा में नहा कर करनी चाहिए। कभी भी गुरु वैष्णव का ठाकुर का निंदा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए जो दीनहीन बनेंगे गुरु वैष्णव के पास में हम दीनहीन बन करके रहेंगे। इसलिए तररपि सहिष्णुना, कितने सहन शक्ति होनी चाहिए, बोल से कहते हैं वृक्ष जैसे, जैसे वृक्ष को जैसे काट लो कुछ बोलता नहीं, पानी नहीं दो कुछ मांगता नहीं, धूप पड़ रहा है किसी कुछ बोलता नहीं, जा रहे हो देखा आम का वृक्ष है एक पत्थर उठाया और मारे, लेकिन उसको तो मारा उसने फल दे दिया, उसने उल्टा हमें फल दे दिया हाँ, और हर समय दूसरों उपकार में, उसका पत्ता भी उपकार, उसको पेड़ को काट करके देखो सारी चीज़ लकड़ी से बना हुआ है हैं।
इसलिए वो हर समय दूसरों को ये उपकार करते हैं। इसलिए कहते हैं ये पेड़ तर रपी सहिष्णुना, वृक्ष जैसे सहन शक्ति बननी चाहिए। इसलिए बोले जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति मठ में वास करना चाहते हैं, हैं क्या करनी चाहिए, कहते कोटि लांछना, कोटि अपमान, कोटि गंजना सुन करके भी हरि भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हैं भले ही जितने गुरु वैष्णव गाली गलौज करे, अगर गुरु वैष्णव अगर हमें कभी शासन करते हैं, ये हमारी मंगल के लिए करते हैं, हमारी मंगल के लिए करते हैं, हैं। इसलिए कहते वृक्ष से भी ज़्यादा सहन से न बलनी चाहिए, और अमानी नाम कभी हृदय में ये भावना नहीं रखनी चाहिए सब मेरे को इज्जत दें, हैं नहीं, ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सबको यथा योग्य सम्मान दो। इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर कहते सकल सहने बल दिया करो निज मान प्रिया है। ठाकुर देव सबके जैसे सहन कर सकते हैं, सबके जैसे हम यथा योग्य सम्मान दे सकते हैं, हैं इसलिए अब हमारे ऊपर में कृपा करो। इसलिए गौड़ वनवाजे गुद्र में दिया च स्थान, आज्ञा दिला मोरे यही ब्रज बसी हरिनाम कर गान। अब तो हमें आज्ञा दिया है ये गुद्रु में भजन करने के लिए, मठी भगवान की धाम यही वृंदावन, यही नवद्वीप है, हैं नवद्वीप धाम। इसलिए गुरुदेव हम सबको पर आप कृपा करो, जैसे हम सहन करते हुए जैसे भगवान की भजन कर सके, हैं। इसलिए सबको यथा योग्य सम्मान दिवे, क्योंकि जीवेर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। बोले क्यों सम्मान दे, क्योंकि सबका हृदय में भगवान के निवास, ठाकुर जी सभी के हृदय में ठाकुर का निवास, इसलिए सबको हमें यथा योग्य सम्मान देनी चाहिए। कहते ना अगर किसको भलाई नहीं कर सकते तो कभी किसका बुराई मत करो, हैं सबको यथा योग्य सम्मान। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पहला नंबर है दीनता, अपने आप को दीनहीन है। इसलिए तोदभृत्य तोदभृत्य भृत्य 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 इति स्मर माम लोकनाथ, ठाकुर जी मेरे को आप अपना सेवकों का सेवकों का सेवकों का हमें अपना सेवक बना दो। इसलिए गोपी भरतो पद कमलो दास दासानुदास, हम गोपियों के जो भरता कृष्ण उनका दासों का हम दास है, ये भावना रहनी चाहिए। ये सबसे पहले यही चीज हो, है जो सहे सो रहे, सबसे पहले सहन शक्ति हमारे अंदर में, ये सहन शक्ति आनी चाहिए। सहन शक्ति नहीं होगा ना भजन नहीं कर सकते। देखो गुरुदेव अक्सर करके एक स्टोरी सुनाते थे, बोले एक समय कोई एक ब्रह्मचारी मंदिर में भजन के लिए आया। अभी कभी कभी हमसे दोष हो जाता है, हैं वो गुरुदेव उसको डांट लगा दिया। जब डांट लगा दिया तो मैंने ऐसे क्यों किया, किस लिए किया, उसको तो गुस्सा आ गया। बोले हम क्या साधारण है, हैं हम क्या साधारण, हम साधारण करके नहीं, हम इतने लिखे बड़े और गुरुदेव हम सबके सामने डांट लगा दिया, मैं तो अपना घर में जा रहा। उसका रोज सेवा था, एक कलसी में एक मिट्टी का कलसी में रोज यमुना में पानी ले आता था और उसी पानी से ठाकुर की रोज स्नान हुआ करता था। बोले आज जब यमुना में पानी भरने जाऊंगा वो घड़ा को वहीं रख करके बस घर में मैं वापस चले जाऊंगा। अभी वो आया, सोच करके आया और घड़ा को यमुना किनारे में रखा। वो जब जा रहा था ना जो घड़ा, बोले कहाँ जा रहे हो, वो घड़ा बोल पड़ा, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले घर में, बोले क्यों क्या हो गया, बोले आपने देखा नहीं गुरुजी मेरे को कैसे डांट लगाए, हैं हम साधारण व्यक्ति थोड़ी है, हम इतने बड़े घर के लिखे पढ़े सब कुछ किया और अब थोड़ी सी गलती हो गया तो गुरुजी डांट लगा दिया, मैं तो अपना घर जा रहा। तो घड़ा कह रहा है, बोले देख मेरी कहानी सुन ले, इसको बाद में घर में जाइयो। बोले बता तेरी कहानी बता। बोले जानते हो पहले मैं कहाँ था, कहाँ की मिट्टी था, जहाँ पर लोग टाटी पेशाब करते ना वहीं का मिट्टी पहले में था। रोज मेरे ऊपर में लोग आकर टाटी पेशाब करते थे, लेकिन एक कुम्हार ने आया वहीं के मिट्टी को खोदा, खोद करके वहाँ से मिट्टी को निकाला और निकाल करके उसने ले गया, जानते हो काट करते ले गया, फिर तभी नहीं छोड़ा, फिर धूप में दे दिया हमें। अरे कितना कष्ट सह करके हमने धूप में पड़े रहे कितना दिन तक, तभी नहीं छोड़ा। जब धूप में छोड़ दिया फिर डंडा लेकर खूब पिटाई खूब मारे, अरे मार 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 करके मेरे को पूरा एकदम मुलायम किया, तब भी नहीं छोड़ा।
फिर पानी डाला मेरे ऊपर, पानी डाल करके देखना कुम्हार लोग अपना प्यार से रौंदते, मिट्टी को रौंदते, बोले तब भी नहीं छोड़ा प्यार में, खूब रौंदा, रौंद रौंद करके जब फिर मैं मुलायम हो गया ना, तब भी नहीं छोड़ा, मेरे को मशीन ऊपर चढ़ा दिया है, देखा मिट्टी का बर्तन मलता है ना, फिर उसमें मेरे को ऊपर चढ़ा करके फिर मेरे को, अब देखना ऐसे घड़ा जब होता है ना उसको पीछे हाथ रख करके डंडे से उसको ऐसे मारते हैं, उसको सो मोलाई बन, उसको पूरा सही बनाते हैं, फिर मेरे को एक घड़ा का रूप दिया, तभी नहीं छोड़ा और लेकर धूप में फिर रख दिया, पता नहीं कितना दिन तक धूप 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 मैंने खा करके पता नहीं कितना कष्ट सहन किया, तब भी नहीं छोड़ा, क्या किया आप देखे होंगे भाटी होता है, हैं जिसमें इसको लाल बनाते हैं, कहते भाटी में चढ़ाया है उसके अंदर कोयला और उसमें मिट्टी या लकड़ी का आग लगा दिए, लगा कर ऊपर चारों तरफ में पोत दिया, जैसे थोड़ा सा धुआं भी नहीं निकला, उसको अंदर में आग लगा दिया, पता नहीं आग में 3-4 दिन तक वो आग में मैं जलते रहा, जलते 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 जलते, फिर क्या हुआ कि जो रंग मेरे लाल रंग देखते रहे वैसे लाल नहीं बन गया, हैं ऐसे लाल नहीं बन गया, तब भी मैं जाकर लाल रंग बना, हैं फिर क्या किया, फिर तुम्हारी जो हाँ मेरे फिर ले गया बेचने के लिए कुम्हार, जो बेचने के लिए ले गया, आप लोग देखे ना जो मिट्टी का बर्तन होता है ना उसको एक छोटा डंडा रखते हैं, हैं कहते डंडा जो रखते हैं वो फटा हुआ ना सही, कहते जो आता है ना उसको पकड़ता है, पकड़ कर इसे उठाएगा और मारेगा, आवाज कैसे होता है फटा हुआ ना ये सही है, और जो आए कान पकड़े और ऊपर उठाए, जो आए कान पकड़े और ऊपर उठाए डंडा मारे, जो आए डंडा मारे, करते करते किसी भाग्य से तुम्हारी गुरु जी आए वहाँ पर, और गुरु जी आए वो भी मेरे कान पकड़े, कान पकड़े वो भी उन्होंने उठाए, वो भी डंडे लेकर खूब मारे, मार कर देखा ये आवाज़ सही है, हाँ इससे फटा हुआ नहीं, हाँ फटा हुआ ठन 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 आवाज़ होती है, फटा हुआ सही, फिर तेरे गुरु जी मेरे को खरीद करके मंदिर में ले आए और ला करके फिर क्या किया, अभी तेरे को दिया, अभी तू क्या करते हो, यमुना में पानी भरने के लिए ले आ, तो पानी कभी घड़ा में भरा हो तो ना पानी में एकदम डुबो देते हैं, फिर बड़ा 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 शब्द होकर पानी भरता है, फिर मर कर पानी में डुबो दिया, आपको गले पकड़ कर पानी में डुबा दो तो क्या होगा, श्वास ही बंद हो जाएगा, हैं मेरे को पकड़ कर खूब पानी में डुबाया, खूब भरा पानी और ले जाते हैं, तो रोज ले जाते हो और तुम गुरु जी क्या करते हैं, रोज मेरे इसी पानी में रोज ठाकुर का स्नान होता है, सालग्राम को, गोपाल जी को, भगवान राम को, नरसिंह देव को, सबको गिरिराज शिला को रोज हमें स्नान कराते हैं, जब स्नान कराते क्या होता है, हाथ में अगुर चंदन कर्पूर लेकर ठाकुर को लगाते हैं ना, ठाकुर जी को जैसे हाथ में लगाते हैं उसी हाथ को घड़े को पकड़ते हैं फिर पानी डालते हैं, वो अगुर कर्पूर चंदन वो ढालते ढालते लगाते लगाते ठाकुर में जब हाथ बारम्बार कलश में लगाते ना वो कलश में भी खुशबू आ जाती है, देख रहे हो कैसे मेरे शरीर में कैसे सुंदर सुगंध कर्पूर अगुर चंदन का खुशबू आ रही, और रोज मैं कैसे ठाकुर को सेवा कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ठाकुर को सेवा किया, इतने कष्ट सहन करना पड़ा, तभी जा करके क्या हुआ, तभी जा करके ठाकुर को सेवा में लग रहा, गुरुजी थोड़ी सी डांट लगा दिया तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोला, बुरे के लिए तो बुलाए नहीं है, और तू घुसा कर घर में जा रहे हो, रुक जा है घर में मत जाया करो, अब देख रहा घर में क्या होता है, बीवी के भी डांट पड़ती है, जिस जिन बच्चों को तुम लालन पालन करोगे उसका भी डांट पड़ता है कि नहीं, उसका भी डांट पड़ता है, सास की भी डांट पड़ती है, ननंद की भी डांट पड़ती है, ससुर को भी डांट पड़ता है, सबका डांट सुनते कि नहीं, बोलो छूटती नहीं, छूटती है संसार जाकर से, अब यहाँ पर गुरु जी बोले तुम्हारे अच्छे के लिए बोले ना, खबरदार जाना नहीं, वो जो जा रहा था ना घर में, बोले तो सही बात बताया, उसका बुद्धि फिर गया, उसका बुद्धि सही हो गया, बोले ठीक है मैं सेवा करूंगा, इसलिए धन्य मतलब होता है दीनता, है दीनता, इसलिए भक्तिमय ठाकुर ने ये जो छह जो शरणागति है ना उसको उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने सुंदर उसको उदाहरण देने के लिए हम अपना जीवन में उसको कैसे उतारे, उसको जीवन में हम उतारे कैसे, उसका क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उन्होंने बड़े सुंदर रूप में उसने एक एक कीर्तन बोले, बोले इसका कीर्तन में क्या है, अचिया में बोली बदो खेर कथा जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे
एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचले दिन दासे। उसके लिए उदाहरण देते, भूलिया तुम्हारी संसार आशा, हे प्रभु कहा तो मैं आपका नित्य दास हूँ लेकिन आपको मैंने भूल करके संसार में आया हैं। आकर क्या हो रहा है, नाना भेद व्यथा संसार में, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, पड़ोसी से दुखी, सास से दुखी, सब दुखी 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 संसार में दुखिया हैं, सब दुख कष्ट भोग कर पाए नाना विध व्यथा तुम्हारे चरण आसी आचिया में बोली व दुखर कथा। प्रभु आज आपका श्री चरण में आया हूँ अपना दुख को बताने के लिए। बोले क्या दुख है, बोले जननी जठरे, जब हम माँ की पेट कष्ट में, कोई पेट में प्राण ही त्याग कर देता है, कोई बच्चा प्राण त्याग कर देता है, इसलिए पाए व्यथा तुम्हारे चरण आसी आचिया में बोली व दुखर कथा। प्रभु आपका श्री चरण में आया दुख का बात बताने के लिए, लेकिन जब हमने दुख कष्ट भोग किया उसी समय में एक बार प्रभु देखा दिया मेरे बंचले अपने, जब मैंने दुख कष्ट को भोग किया देखा सुख का समय, सब परिवार सबके सब थे, भाई बंधु पुत्र परिवार सब सुख में, तो दुख में कोई है नहीं। आप कैसे हो, बोले जब जेब में पैसा हो, पैसा गन तुम कौन बोलते हैं ना, इसलिए देखा कोई है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए उसी समय में समझ गया कि संसार मतलब का संसार कोई किसका है नहीं, इसलिए बोले ठाकुर जी आप कृपा करके नरक से मेरे को निकाल। बोले निकालोगे तो क्या करोगे, बोले तेरा भजन करूँगा, तेरा भजन करूँगा, लेकिन जन्म होते ही हैं, जन्म होते ही पिता माता भाई बंधु इनकी हैं, इनकी प्यार इनकी लाड़ प्या करके सब भूल गए, सब हम आपका भूल गए, भूल करके संसार में मस्त हो गए, पैसा कमाने में लग गए, और पैसा कमाते कमाते जब बूढ़ा हो गए जगत में कोई पूछ नहीं रहे, जगत में हमें कोई पूछ नहीं रहे, जगत में बड़े दुख कष्ट हम संसार में, बड़े दुख कष्ट को संसार में हम भोग कर रहे हैं है? इसलिए इसको उदाहरण देने के लिए भक्तिमय ठाकुर ये पूरा भजन लिखते हैं। दैन्य मतलब होता है दीनता, हे प्रभु हम बड़े दीनहीन हैं, आप कृपा करके हमारे ऊपर में आशीर्वाद करो, हमारे ऊपर में आप कृपा करो जैसे हम आपकी भजन कर सके। एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी ये पहला नंबर क्या है, छह शरणागति में पहले है दैन्य दीनता दैन्य, उसके बाद में दैन्य आत्मनिवेदन गोपतृप्ते वरण, दूसरा नंबर है आत्मनिवेदन, दूसरा भगवान के चरण में हमें संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करनी चाहिए है? इसलिए फिर इसके लिए एक कीर्तन लिखते हैं, क्या कीर्तन है, आत्मनिवेदन तू आपद करी हाय नो परमा सुखी, दुख दूर गेला चिंता ना रहिला चौदिगे आनंद देखी। हाँ देखो इसके लिए कितना सुंदर भजन गाते हैं, बोले प्रभु बोले आत्मनिवेदन आपका चरण में हम आत्मनिवेदन करके हम अब सुखी सुखी हो गए, अभी हम सुखी सुखी हो गए, बोले चौदिगे आनंद देखी चारी तरफ में आनंद ही आनंद है आपकी चरण में आनंद ही आनंद, बोले क्यों आनंद ही आनंद है, कारण क्या, बोले कारण है आपका चरण में तीन चीज है, कितना चीज है, क्या क्या, बोले अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण दोय ताहाते खन विश्राम लभिया छाड़ी नो भेर भय। कहते भगवान की चरण में तीन चीज है, कहते एक अशोक, अशोक मतलब जहाँ पर कोई शोक नहीं, कोई दुख कष्ट नहीं, अशोक अभय जहाँ पर कोई डर नहीं, अमृत जिनके चरण में अमृत, कहते आपका जो चरण में है हाँ चरण कमले अमिया उछले, जिनके चरण में अमृत छलकती है, अमृत छलकती है जिनके चरण में,
बोले अशोक अभय और अमृत आपके चरण में, ये तीन चीजें आपका चरण है। इसलिए जब तुम्हारी चरण में अशोक अभय अमृत है, इसको पहले हम बड़े दुखी थे, क्योंकि हम समझते थे हम स्वयं को समय रक्षा करने वाले हैं, हम सब कुछ है, हम अपने आप सब कुछ। लेकिन जब तुम्हारी चरण में हम समर्पित तो हो गए ना, बस आनंद ही आनंद तुम्हारी चरण में, हाँ आनंद ही आनंद तुम्हारी चरण में। इसलिए कहते तुम्हारो संसारे, कहते इसका लक्षण तो होनी चाहिए ना, कि बोल दिया जो ठाकुर जी तुम्हारे चरण में समर्पण हो गया, हो गया नहीं, उसके लिए क्रियात्मक रूप में दिखनी चाहिए, तुम करते हो क्या है, क्या कहते हैं, बोले तुम्हार संसारे करीब से बर नहीं बफले रभागी, तब सुख जाहे करीब जतना धोए पदे अनुरागी। तो भक्तिमान ठाकुर कहते हैं कि हम अपना साकार रूप में, अपना प्रत्यक्ष रूप में करेंगे क्या, बोल दिया तो ठाकुर तुम्हारे चरण हो गई है, कैसे कैसे होनी चाहिए, बोले तुम्हार संसारे करीब सेवर। मंदिर क्या है, ठाकुर का ही घर है, हैं ये ठाकुर का संसार। अगर हम घर में भी रहते हैं, किसके संसार, ये ठाकुर का संसार। हम भी ठाकुर जी की, बच्चे भी ठाकुर जी की, हम जो काम करते हैं किसके लिए पैसा कमा रहे, भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए पैसा कमाते हैं। इसलिए अपना संसार को कहते कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, अनाचार को छोड़ करके हमें कृष्ण की संसार, ठाकुर की संसार हमें करनी चाहिए। कहते तुम्हार संसार करीब सेवन, दिन भर दिन रात क्या करोगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। रसोई बना रहे तो किसके लिए कर रहे हो, भोग लगेगा। घर में झाड़ू लेते हो, घर किसकी घर, ठाकुर का घर है, हैं। अगर ठाकुर जी घूमेंगे, अगर ये कहीं धूल पड़ा हुआ तो ठाकुर को प्यार में लग जाएंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं घर को हम, इसलिए घर को हम साफ सुथरा कर रहे हैं। स्नान क्यों कर रहे हो, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कब तक ये माया है, बोले तब तक माया जो, जब हम मैं और मेरा भाव रखें, शरीर मैं हूँ सब कुछ मेरा है, इसलिए बकरी मैं करता है इसलिए मरता है, हैं, इसलिए मैं मेरा नहीं करनी चाहिए, मैं ठाकुर जी को और जितने वस्तु है सब ठाकुर जी का ही है, हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले तब तक ये माया है, कब तक है, जब तक तुम अपना मानते हो। लेकिन जब तक तुम भगवान को चरण में जब समर्पित हो गया ना, तो भगवान के संसार है, तुम्हारे कौन संसार है, ये सब के सब ठाकुर को हो गया, ये सब भगवान का हो गया, हमारे नहीं रहा। इसलिए कि तुम्हारे संसार है करीब सेवन, तुम्हारे संसार में दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे, नहीं वह फले रे भागी, हैं, हम फल की कोई आक्या क्या नहीं करेंगे, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, हमें ये मिलेगा इसलिए सेवा करें, नहीं इसलिए कर रहे हैं कुछ मिलेगा नहीं, हम जो कुछ करेंगे उनकी सुख के लिए ही करेंगे। तब सुख जाए करीब जतन है पदे अनुराग, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो उसके लिए हम चेष्टा करेंगे। इसलिए तुम्हारे संसार तुम्हारे सेवा तुम्हारे संसार करीब स्मरण नहीं वह फल रे भागी, तब सुख जाए करीब जतन हाय पदे अनुरागी, जिसमें तुम्हारी सुख हो वो काम ही हम करेंगे। लेकिन अगर भगवान की भक्ति भजन करते करते अगर दुख आ गई तो बोले तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासया विद्या दुख। जैसे ठाकुर की सेवा कर रहे मंदिर में कर रहे, जैसे कितना बार उठ जाते हो, कभी कभी तीन बार पूजा सबसे पहले उठ जाते हैं, हाँ उठ सबको जगाते हैं, जैसे सवेरे सवेरे उठ जाते हैं ठाकुर जी का मंगला आरती होगा, सत सत दस ग्यारह बजे आता है और सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, हैं उठ जाते हैं, तीन चार बजे उठकर नहा धो करके ठाकुर का आरती होगा, ठाकुर को ये होगा, हैं ठाकुर का सेवा होगा। इसलिए कभी कभी ठाकुर का उत्सव आ जाए, दिन रात ठाकुर का श्रृंगार करना, उसके लिए रोसी बनना, मंदिर मार्ज करना, दिखभर कभी कभी दिखता है जैसे भगवान की सेवा करते करते कभी दुख आ जाता है, हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति संसार में भी दिन भर परिश्रम करता है, दिन भर परिश्रम करता है संसार में, देखना कभी कभी संसार करते 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 मुंह में झाग निकल जाती है, दिन भर काम करते 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 मुंह में झाग निकल जाती है। अगर वो कृष्ण के लिए नहीं होना उसका फल तो जीरो है, उसका कोई फल नहीं बल्कि बंधन है। लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर हम सेवा करते करते हम कोई अगर परिश्रम होता है, हैं, इसलिए कहते आप प वर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, प फ ब भ म,
कहते अगर साधु संग होगा, भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा? फ मतलब परिश्रम, फ मतलब फेण, बा मुंह में कभी झांक निकल जाती, ब मतलब व्यर्थता, भ भय, म मृत्यु, हैं सबके सब खत्म हो जाएगा, सबके सब खत्म हो जाएगा भगवान की अगर सेवा करते करते अगर परिश्रम अगर हो रहा है। कहते ये परम सुख का कारण है। क्यों? जैसे घर का कोई मालिक है, वो देखता है घर में एक नौकर है, दिन भर ठाकुर का सेवा करता है, माली के लिए उसके लिए कपड़ा धोल देता है, मंदिर साफ करता है, रोसी बनाता है, वो मालिक बैठे बैठे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर वो बोलता है मालिक, बोलते कुछ पैसा ले लो, बोले ना हमें पैसा नहीं चाहिए, चलो तुम्हारी सेवा चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर मालिक अगर इस चीज़ को देखेगा तो कितना कुछ हो, बेटा देखो हम पैसा देने पर भी पैसा नहीं ले रहा है, दिन भर वैसे काम करता है, मुफ्त से काम करता है, फिर एक दिन क्या करोगे अपना बेटा बना लेता है, तुम मेरी इतना सेवा कर रहे हो, मेरे बाद में इसका संपत्ति तू मालिक बन जा, तो इसका मालिक बन जा। पैसा लेकर करता है, पैसा लेकर करता है, बोले हाँ इतना इसलिए काम, दिन भर काम करते हैं, उसको पैसा तो देंगे, वो तो पैसा ले, तो उसके मन में दया नहीं आती है। इसलिए महाप्रभु कहते न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश काम ए मम जन्मन जन्मन, सब कुछ दे देते ठाकुर, उसको सब कुछ ठाकुर जी दे देते। इसलिए कहते तुम्हार सेवा दुख है जत, अगर तुम्हारी सेवा करते करते दुख होता है, कहते सेव तो परम सुख, और जो सुख है ना वो जो दुख है वो परम सुख का कारण है, क्योंकि ठाकुर सब देख रहे हैं, ठाकुर जी बैठ बैठ कर सब कुछ देख रही है, मेरे लिए क्या कर रहा है, ये मेरे लिए दीन से लगा करके हमसे कुछ मांगता नहीं, केवल सेवा मांगता है। फिर भगवान उसको भक्त में रीझ करके अपनी आप को ठाकुर, खुद अपनी आप को ठाकुर जी हमें दे देते। इसलिए जो दुख है वो परम सुख का कारण बनता है, परम आनंद का कारण, भगवान उसको अपना प्रेम अपना धाम उनकी अपना सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए सेव तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद, उसको द्वारा क्या होगा नाशय अविद्या विजहा, अमार भोजन परम आनंद प्रतिदिन हवेता। हाँ ध्यान देकर सुनो, इसमें क्या कहते हैं, हमें कैसे भावना होनी चाहिए। कुत्ता कहते हम आप तुम्हारे कुत्ता हो गए, कुत्ता क्या खाता है, जो घर में सब खाना खा लेते हैं ना, घर का जो खाना खा लेते हैं, जो बच जाता है उसको कुत्ते को दे देते हैं, कुत्ते उसको ही खाता है। इसलिए यहाँ पर कहते बोलो प्रभु तब निज जन प्रसाद से भी उचिष्ट राखी भेजा, तुम्हारे जो निज जन भक्त हैं जब प्रसाद सेवा करके हमारे लिए जो उचिष्ट रख लेंगे, हमारे लिए जो प्रसाद रख लेंगे परम आनंद अमार भोजन प्रतिदिन हवेता, उसको परम आनंद पूर्वक वो प्रसाद को हम वो प्रसाद को बैठो कहाँ जा रहे प्रभु जी, वो गुरु जी फोड़ा जा रहा, मैं जा रहा था इसलिए कहते हैं हाँ, इसलिए क्या उसको ही हम अपना प्रसाद मान करके उसको हम भोजन करेंगे, हैं उसको हम भोजन करेंगे, उसके बाद में लास्ट में उसको बाद में हाँ, इसलिए पूर्व इतिहास भूलिन सकल सेवा सुख पे मने आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार की काज अपर धन। देखो इसमें क्या बोल रहे, कभी कभी मंदिर में आकर के भी हम अपना परिवार सबको भूल नहीं पाते, कभी कभी अपना परिवार को भूल नहीं पाते। देखो यहाँ पर कहते बोले पूर्व इतिहास भूलिन सकल सेवा सुख पे मने, जब हम भगवान की निष्कपट रूप में ठाकुर को सेवा करेंगे ना, फिर क्या होगा, पहले का जो इतिहास, पहले हमने कैसे अपना पुत्र परिवार परिवार को साथ में कैसे थे, कहते उसको धीरे धीरे क्या होता है उसका सबको धीरे 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 सब भूल जाते हैं, क्योंकि जो सेवा सुख है भगवान की सेवा करने से एक अपने आप एक दिव्या ना, आप इतने दिव्या इसी संसार में तुम देख लो, किसी व्यक्ति के लिए खाना बनाया वो बढ़िया चाट चाट कर खाए, आंगुल चाट चाट कर खाए, बोले क्या तुमने खाना बनाया कितने सुंदर, पत्नी खुश हो जाती ना जिसने बनाती है, प्रसन्न हो जाती कि नहीं आज हमारी खाना बनाना सार्थक हो गया, उसको खा कर खुश हो गए है। कहते उसी तरह जब इसी जगत का किसी व्यक्ति को खुश करके जब खुश होते हैं, जब हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, जब और दूसरे चीज में कोई मतलब है नहीं, तू मेरा और मैं तेरा हूँ। इसलिए ऐसे ही भक्त ठाकुर ने जो आत्मनिवेदन भगवान के चरण में
तो संपूर्ण रूप में शरणागत होने पर उसमें कितने आनंद कितने सुख है, एक एक कीर्तन में इसको ये वर्णना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर हैं। दूसरा एक उदाहरण दिया, जन राखे मेहतारी, जन बालक राखे मेहतारी, एक सुंदर उदाहरण तुलसीदास एक सुंदर उदाहरण दिया। कहते जैसे घर में जो बच्चों को देखना ना, ये बच्चे कभी अपना खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं चिंता करते हैं घर में, तू कैसे खाओगे पियोगे कोई चिंता करते हो, खेलता कूदता है स्कूल पढ़ता है आनंद मस्त रहता है, हैं चिंता करते नहीं, क्यों? कारण है उसको पता है मेरे पिता माता है, ये किसका चरण में शरणागत है, अपना पिता माता का चरण में शरणागत है, इसलिए भले ही पिता माता नहीं खा ले लेकिन बच्चों को खिलाएंगे, भले ही पिता माता नहीं खा ले लेकिन इस बच्चे को खिला करके ही पिता माता भोजन करेंगे, उसको बताए हम तो पिताजी के चरण में शरणागत है, हैं। अगर किसी कारण से बच्चा सो गया बिना खाए पिए बच्चा सो गया, पिता माता क्या करते हैं उसको उठा उठा करके खिला करके तब खाते हैं उसको, जब तक बच्चा खाना नहीं खाता पिता माता भोजन नहीं करते, उसको उठा कर खिला करके तब खाते हैं। कारण है जो बच्चा है वो पिता माता को चरण में शरणागत है, इसलिए जब हम भी ठाकुर जी के चरण में ऐसे शरणागत हो जाएंगे, ठाकुर हमारे में हम ठाकुर जी का दिन रात उनका ही चिंता, दिन भर उनके ही चिंतन उनके ही भजन करते हैं, उसी समय भक्तों को ये पूर्ण विश्वास होता है ठाकुर जी के चरण में हम समर्पित हो गए हैं, हाँ ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, जखूर ठाकुर जी हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, ठाकुर जरूर हमें सब कुछ ठाकुर जी हमारे लिए करेंगे, क्योंकि आत्मा न हम उनके चरण में समर्पित आत्मा है, इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं अनन्य चिंतन तमाम जे जनहा पर उपासते ते सांग नित्याभियुक्ता नाम जोगाक्षम बहाम्यम, भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे चरण में संपूर्ण शरणागत अनन्य न अन्य और किसी के नहीं केवल मेरे चरण में गुरु चरण में, जो बताने जैसे लक्षण एकदम इतना नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हम थोड़ी सी दिखावा भी जो साधु संत बन गए, देखो मंदिर में खाने पीने का कोई चीज़ अभाव है, रोज रोज मंदिर में आप घर में देखना पिताजी है माताजी है बच्चे है, पिता भी काम करते हैं माताजी का भी काम करते हैं बच्चे भी काम करते हैं तभी घर की पूरी नहीं कर पाते, लेकिन आप यहाँ पर देखो कितना रोज रोज लोग प्रसाद पा रहे हैं, कल कितना लोग प्रसाद पाए उसको पहले कितना कितना भंडारा हो रहा है, कितने उत्सव हो रहा है, जो आ रहे हैं प्रसाद पा रहे खाने जा रहे, बोले भैया और क्या क्या प्रसाद बनता है पता होगा, घर में रोटी सब्जी खा लेंगे, यहाँ पर पता नहीं दिन में तीन तीन चार चार पाँच पाँच सब्जी बनती है, खीर बनती है चटनी बनती है रोज रोज मिठाई, यहाँ तो रोज तो भंडारा चल रहा है, रोज रोज भंडारा चल रहा है, बोले देखो हम इतने ठाकुर के चरण में शरणागत नहीं, तभी ठाकुर जी क्या करते हैं, हे बढ़िया बढ़िया प्रसाद ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाते, अगर सचमुच से अगर हम भगवान के चरण में शरणागत हो गए ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं ठाकुर जी भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, ठाकुर जी भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए ठाकुर जी तैयारी बैठते हैं, लेकिन कमी हमारे अंदर में, क्योंकि हम सही सही ठाकुर जी के चरण में शरणागत नहीं हो पाते, इसलिए कहते जो जिसको अंदर में शरणागति आ जाएगा छे और बस क्या होगा, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, भगवान जरूर उसको प्रार्थना को ठाकुर जी सुनते हैं, ठीक है फिर कल सुनेंगे उसको बाद में, और चार शरणागत किया ठीक है, पंचाकल दुर्भस्य कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नम नम, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा
ला कृष्ण कृष्ण हरे।